नमस्कार दोस्तों, वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम पशुपालन के जो ध्यान रखने वाली प्रमुख बातें हैं उसके बारे में परामर्श या जानकारी प्राप्त करेंगे। पशुशाला की धुलाई सर सब राहे यानी सुबह सुबह होना चाहिए। धुलाई हर रोज़ पानी से झाड़ू के द्वारा साफ कर देना चाहिए, इससे गोबर व मूत्र गंदगी दूर हो जाती है। साथ ही साथ हम प्रेशर मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई करने के लिए। और पानी से धोने के बाद एक बाल्टी पानी में 5 ग्राम लाल दवाई पोटेशियम परमैंगनेट या 50 ग्राम या मिलीलीटर फेनाइल डालकर धोना चाहिए। इससे जीवाणु, जू, किलनी तथा विषाणु इत्यादि मर जाते हैं। पशुओं को बीमारी नहीं फैलने देती है और स्वच्छ दूध उत्पादन में मदद मिलता है। पशुओं का संतुलित खान पान, उचित रख रखाव पर ध्यान देना चाहिए। मवेशी या अन्य पशुधन के बीमार हो जाने पर उनका इलाज करने में वनस्पति अथवा पेड़ पौधों की इस्तेमाल जैसे गिलोय, तुलसी, नीम का इस्तेमाल करके आप तंदुरुस्त या स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। कहावत है, समय से पहले चेत किसान। पशुधन के लिए साफ सुथरा एवं हवादार घर बनाना चाहिए। संतुलित खाना तथा उचित देखभाल का इंतजाम करने पर उसके रोग ग्रस्त होने का खतरा भी किसी हद तक टल जाता है। रोगों का प्रकोप कमजोर मवेशी पर ज़्यादा होता है। उसकी खुराक ठीक करने पर उनके ऊपर ज़्यादा रोगों का प्रकोप फैलने का डर नहीं रहता है। रोगों से बचाव करने की जो ताकत है वो ऑर्गेनिक पेड़ पौधे से भी गाय भैंस को खिला के हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गिलोय है, तुलसी है या फिर नीम है, इन सभी वनस्पति पेड़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी गायों को स्वस्थ रख सकते हैं। बथान की सफाई, परजीवी से फैलने वाले रोगों और फैलती बीमारी से मवेशियों की रक्षा कर सकते हैं। सतर्क रहकर पशुधन की देखभाल करने वाले पशुपालक बीमार पशु को झुंड से अलग करके रखते हैं। दोस्तों, अन्य पशुओं को बीमार होने से बचाया जा सकता है, इसलिए पशुधन को किसानों को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। पशुधन या मवेशी को प्रतिदिन ठीक समय पर भर पेट पौष्टिक चारा दाना दिया जाए। इसकी खुराक में सूखा चारा के साथ साथ हरा चारा, खल्ली, दाना और थोड़ा सा नमक, मिनरल शामिल करना चाहिए। साफ बर्तन में ताज़ा पानी भरकर मवेशी को आवश्यकता अनुसार पीने का मौका देना चाहिए। मवेशी का बथान साफ और ऊंची जगह पर बनाएं। घर इस प्रकार बनाएं कि रोशनी और हवा पहुंचने की पूरी गुंजाइश रहे। घर में हर मवेशी के लिए काफ़ी जगह होना चाहिए। बथान की नियमित साफ सफाई और समय समय पर रोगाणुनाशक दवाई जैसे फिनाइल, लाल दवाई का घोल से उसकी धुलाई अवश्य करना चाहिए। मवेशियों या दूसरे पशुधन के खिलाने की नाद ऊंची जगह पर गाड़ी जाए। नाद के नीचे कीचड़ नहीं बनने दें, इसके लिए टाइल्स का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए।
घर बथान से गोबर और मूत्र जितना जल्दी हो सके खाद के गड्ढे में हटा देने का इंतजाम किया जाना चाहिए। बथान को प्रतिदिन साफ कर कूड़ा करकट को खाद के गड्ढे में डाल दिया जाना चाहिए। मवेशियों को प्रतिदिन टहलने फिरने का मौका दिया जाना चाहिए। मवेशियों के शरीर की सफाई का पूरा पूरा ध्यान दिया जाए। उनके साथ साथ लाड प्यार भरा व्यवहार किया जाना चाहिए। मवेशियों में फैलने वाला अधिकतर संक्रामक रोग छूतही बीमारियां एंडेमिक यानी स्थानिक होते हैं। ये बीमारी एक बार जिस स्थान पर जिस जगह जिस समय फैलती है उसी स्थान पर और उसी समय बार बार फैलती है। इसलिए समय से पहले ही मवेशियों का टीकाकरण का इंतजाम करना ज़रूरी होता है। टीकाकरण पशुपालन विभाग की ओर से उपलब्ध रहने पर नाम मात्र का शुल्क लगाकर दिया जाता है। हाउसिंग फॉर डेयरी फार्मिंग, हाउसिंग से हमारा आशय पशुओं के लिए हाउसिंग बनाए जाने वाले छप्पर से अत्यधिक उत्पादन हेतु एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित छप्पर का होना जरूरी है। एक व्यवस्थित फॉर्म में एक पशु को लगभग 50 वर्ग फीट जगह छप्पर के अंदर और लगभग 85 वर्ग फीट खुली जगह की आवश्यकता होती है। अपने पशुओं के लिए हाउसिंग करते समय आपको यह सुनिश्चित करना है कि छप्पर के अंदर वे सारी सेवाएं जो एक पशु को चाहिए होती है, जैसे शुद्ध हवा का आवागमन पूरी जगह इत्यादि, पशुओं के खाने के अच्छी व्यवस्था, ध्यान रहे पोषक युक्त और उच्च गुणवत्ता खाना पशुओं में उनकी अच्छी दूध देने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके पशुओं को उचित मात्रा में उच्च गुणवत्ता व पोषक युक्त खाना मिले। ग्रीन फूड यानी कि हरी घास, जहां एक तरफ जानवरों को अत्यधिक दूध देने के लिए प्रेरित करता है, वहीं जानवरों के खाने पर आने वाले खर्च को भी कम करता है। इसलिए जानवरों को अधिक से अधिक ग्रीन ग्रास देने की ज़रूरत होती है। यदि आपके पास कोई खाली ज़मीन पड़ी है तो आप अपने पशुओं के लिए ग्रीन फोल्डर का आसानी से उत्पादन कर सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक दूध देने वाली जानवरों को 1 लीटर दूध देने के लिए लगभग 6 से 7 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए जानवरों को हमेशा शुद्ध और उचित मात्रा में पानी का सेवन अवश्य कराएं। धन्यवाद। वैष्णवी ऑर्गेनिक डेयरी फार्म, धन्यवाद।